लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं, क्या हो गया? नींद में बड़बड़ा रहे हो, पगला गए हो क्या? अब क्या बताऊं, बहुत ही डरावना सपना देखा यार। ऐसा क्या देख लिया? सपने में देखा एक पागल चुड़ैल मेरे आगे पीछे घूमे जा रही है। ये कौन सा सपना था? अरे हमारी शादी का। क्या? चलो निकलो घर से और फिर से अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। अब क्या किया मैंने? पते गिफ्ट पे क्या मांगे थे? गहने। और दिया क्या? खाली डिब्बे। पता है फ्रेंड्स के सामने कितना शर्म से झुकना पड़ा मुझे, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता? अरे पगली, शर्म ही तो औरत का असली गहना होता है, है? हाँ। गाना बहुत अच्छा गाती हैं आप। हाय, थैंक्स। पर मैं सब बाथरूम सिंगर। हाय, बाथरूम सिंगर तो कभी बुलाओ हमें भी अपने लाइव प्रोग्राम पे। अरे आ गए तुम? पूरा दिन खराब हो गया आज। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? पहले कैब मिस कर दी, फिर ऑफिस लेट पहुंचा, फिर वहां बॉस ने डांटा और फिर क्लाइंट की चिक। खाना तक नसीब नहीं हुआ सुबह से, पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था सुबह। मैं तो कब से कह रही हूँ मेरी मानो तो बेडरूम का आईना हटा दो, रोज यही शिकायत रहेगी। युवराज कभी नहीं चलेगा पाकिस्तानी। अबे जडेजा क्यों भेजा? हट यार। बेबी देखो ना मैं कैसे लग रही हूँ। बेबी दुपट्टे और अम्ब्रेला भी मैच हो रहा है, सी ये भी। वाह बेबी वाह, क्या कॉम्बिनेशन है ना? छाता दुपट्टा और ये फूल, ये तो चार चांद लगा रहा है। मन तो कर रहा तुम्हें उठा के पाकिस्तान फेंका हूँ। और तुम साफ साफ कहो ना कि बॉम लग रही हूँ। ए जी सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना गाना गाना शुरू कर दूँ। एक बात बताओ, ये आज सुबह से ये उल्टे सीधे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ कहाँ से रहे? पता है लोग हमेशा कहते मेरी आवाज है ना कोयल से भी ज्यादा मधुर है। गाओ 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 गाओ, पर एक बात ध्यान रखना, कभी कभी कोयल और कौवे की शक्ल बहुत मिलती है। क्या? बन के पंछ उड़ता फिरूं आज गगन में, आज हूँ आजाद मैं दुनिया के चमन में। डाले उड़ने का इतना ही शौक है तो घर आके उड़ो ना। और हाँ पड़ोस वाली मायके गई है। क्या? अबे यार कहाँ मर गया रामू यार, मैं लेट रहा हूँ ऑफिस के लिए। आया मालिक। अबे ऐसा क्या बना रहा था? पराठे। इतना ज्यादा घी, वो भी इस महंगाई में। लगता है गलती से मैंने अपना पराठा आपको दे दिया। अबे तेरी तो। अबे यार मेरी घड़ी कहाँ रखी है? मेरी घर ओ हेलो, मैं तुम इतनी पूजा क्यों करती हो? ताकि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाए। तो ऐसा करो ना, एक दिन मीरा भाई बनके जहरी पी लो, फिर भगवान श्री कृष्ण क्या तुम्हें सब भगवानों के दर्शन हो जाएंगे। क्या? तुम ना एक नंबर के निकम्मे और कामचोर हो। भले ये भी कोई जिंदगी है तुम्हारी? मकान मेरे पापा का है, भेड़ के भेजे कपड़े तुम पहनते हो, और यहाँ तक घर का राशन तक मेरी चाची भिजवाती है, और तो और खुद का खर्चा तक मैं खुद नौकरी करके चलाती हूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे काहे का शर्म है? वो जो तुम्हारा भाई इसका क्या, साला रहता है एक ही शहर में और कुछ मदद नहीं करता। क्या? सुनो मैं कल से देख रही हूँ तुम्हारे कर्मों के कच्चे चिट्ठे
एक बात बता, तुमने उस पड़ोसन को कल हक क्यों किया? तुम ही तो डींगे हाँ खा के कहती रहती हो कि माय हस्बैंड इज लाइक माय बेबी। हाँ तो तुमने ऑलरेडी माना ना कि आई एम योर बेबी। हाँ, बेबी का मतलब क्या होता है? बेबी का मतलब होता है बच्चा, और बच्चे के मन में जो आता है वो करता है। क्या? और ये वाला देखना, एकदम नंगू पंगू है। अरे क्यूट लग रहा है तुम्हारा बेटा। हाँ वो तो है, तुम्हें पता है भगवान ना हर किसी को तो क्यूट बेटा नहीं देता। थैंक्स, बट ये ना बिल्कुल मेरे पति पे गया है। मुझे भी ना डिट्टो ऐसा ही बेटा चाहिए। तो आ जाओ ना शाम को घर पे। हाँ बेबी, ये सुहागरात में क्या होता है? कुछ खास नहीं। फिर भी अरे यूं समझ लो कि 7 नंबर के पैर को 3 नंबर की जूती में डालना है, सिंपल। और फिर आगे क्या होता है? आगे क्या, जूती जो है वो 7 नंबर की हो जाती है, पैर 3 नंबर का है? जानू एक बात कहूं क्या यार? हाँ कहो। सच में कह दूं? हाँ कह दो। यू नो व्हाट, मैं ना तुम्हारे प्यार की ऊंचाइयों को और इश्क की गहराइयों को देखना और छूना चाहता हूँ यार, सच में। कमीने, सीधे सीधे बोलना, आज सेक्स करने का मूड है। हाँ।